ठीक है। आपको लास्ट टाइम मैंने ये बताया, लास्ट टाइम मैंने क्या बताया था आपको, डेफिनेशन ऑफ फिनॉल और फिनॉल के बारे में कुछ मैंने आपको बताया था, उसका डेफिनेशन क्या है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, मैं सुशील तिवारी। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो में। हम क्या करेंगे, जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था आपको, प्रॉपर्टी का प्रिपरेशन खत्म हो गया था। आज के इस वीडियो में हमारे पास आज हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और उसी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी फिनॉल के। अल्कोहल हमारा खत्म हो गया है, आई होप आपने मैं अल्कोहल पढ़ लिया होगा। ठीक है, चलो आज हम बात करें। सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो है मेरा प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। ठीक है, ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी जो फिनॉल इंडिकेट करती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सिलेक्टेड प्रॉपर्टी है, जैसे मैंने अल्कोहल की प्रॉपर्टी आपको बताई थी ना, वैसे फिनॉल की प्रॉपर्टी है। चलो स्टार्ट करते हैं फिनॉल की प्रॉपर्टी। ठीक है, सबसे पहली प्रॉपर्टी ये होती है फिनॉल की, सबसे पहली प्रॉपर्टी फिनॉल की वो क्या होता है, फिनॉल होता है ना जो आपका क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है। फिनॉल क्या होता है, कलरलेस सॉलिड होता है, पहली प्रॉपर्टी याद रखना, फिनॉल ऐसे कलरलेस सॉलिड। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी, इसका ऑर्डर कैसा रहता है, ऑर्डर कार्बोलिक ऑर्डर होता है, कार्बोलिक ऑर्डर होता है, ऑर्डर मतलब स्मेल, स्मेल कैसा होता है, कार्बोलिक स्मेल होता है। तीसरा प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी ध्यान दो, पार्शियल सॉल्यूबल इन वाटर, पार्शियल सॉल्यूबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्यूबल इन अल्कोहल, पार्शियल सॉल्यूबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्यूबल इन अल्कोहल। पहले क्या है, कलरलेस सॉलिड है, दूसरा क्या है, कार्बोलिक ऑर्डर है, तीसरा क्या है, पार्शियल सॉल्यूबल इन वाटर है और कंप्लीटली सॉल्यूबल इन अल्कोहल है। नेक्स्ट है, इट कंटेन्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कंटेन्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इट कंटेन्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बराबर, एंड देयरफॉर इट शोज हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट पर बोलो, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या तो फिर मेल्टिंग पॉइंट, मतलब इसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्लियर हो, 4.2। पांचवा पॉइंट ये है कि आपका फिनॉल का मेल्टिंग पॉइंट कितना और उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है। तो फिनॉल सॉलिड है तो सबसे पहले मेल्ट होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट है इसका 315 केल्विन और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है फिनॉल का 455 केल्विन। ठीक है, बराबर दे रहा है। तो इतनी प्रॉपर्टी ध्यान दो आप लोग, कलरलेस सॉलिड है, कार्बोलिक ऑर्डर है, पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर है बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन अल्कोहल है, इट कंटेन्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंटर भी होता है इंट्रा भी होता है, फिलहाल मैंने लिखा इट कंटेन्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर इट शोज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट या तो मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट 315 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन है। क्लियर हो रहा है, फिनॉल को जब हम एयर के साथ रिएक्ट करते हैं ना उसका कलर चेंज होता है, जैसे फिनॉल को अगर आप लोग मतलब खुला छोड़ दो तो हल्का सा पिंकिश हो जाएगा, हल्का सा पिंक कलर जनरेट करेगा वो, तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद। तो ये टोटल मिला के 1, 2, 3, 4, 5 प्रॉपर्टी है फिनॉल की पड़ती है। मैंने आपको नेचर के बारे में फिनॉल की बता दिया था, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, क्लियर हो रहा है। फिर से, इट इज कलरलेस सॉलिड, इट इज कार्बोलिक या तो फिनॉलिक इन ऑर्डर, कार्बोलिक या तो फिनॉलिक इन ऑर्डर, ऑर्डर मतलब स्मेल, इट इज पार्शियल सॉल्युबल इन वाटर बट कंप्लीटली सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल में आपका सॉल्युबल है, वाटर में स्प्रिंगली मतलब पार्शियल सॉल्युबल है, इट कंटेन्स इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, देयरफॉर इट शोज हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट 315 केल्विन है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 455 केल्विन है। ठीक, तो ये है अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, क्या मिली हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल, क्लियर हो रहा है। देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बता रहा हूँ, टेक्स्ट बुक अगर आप देखो ना तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है बट उतनी सारी चीज़ें पढ़ के मतलब नहीं है। ठीक है, अभी एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है फिनॉल की, वो भी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे फिनॉल है ना, फिनॉल एकदम ध्यान देना, एक होता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर, एक होता है हमारा एसिडिक कैरेक्टर, तो फिनॉल होता है ना, फिनॉल मतलब हमेशा याद रखो फिनॉल ज्यादा एसिडिक होता है किससे, अल्कोहल से। फिनॉल हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से। अगर बात करें
एसिडिक कैरेक्टर की इथेनॉल हमेशा ज्यादा एसिडिक अल्कोहल्स है, आखिरी बार एसिडिक कैरेक्टर होता क्या है? तो एसिडिक कैरेक्टर का मतलब ये चीज याद रखो, एसिडिक कैरेक्टर का मतलब होता है जहां से एच प्लस आए आराम से निकल जाए, रिमूव हो जाए, जहां से एच प्लस आयन आराम से बाहर निकल जाए। अगर एच प्लस आयन आराम से बाहर निकल जाएगा तो कंपाउंड आपका सादा एसिड हो, क्लियर हो रहा है? तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि एक रिएक्शन की नॉर्मल चीजें देख लेते हैं, मेरे पास ये CH3 OH पड़ा हुआ, मैंने आपको अल्कोहल के रिएक्शन में बताया था ये, और मेरे पास ये पड़ा हुआ है, ठीक है? अब मुझे समझ लो, यहाँ पे एक रैंडमली कोई रिएक्शन है, कोई पॉजिटिव के साथ रिएक्शन करवा, समझो मेरे पास कोई भी पॉजिटिव, मैंने E प्लस लिख दिया, मेरे पास कोई भी इलेक्ट्रोफाइल है, मेरे पास रिएक्शन में करवा रहा हूँ, ठीक है? अब अगर मैं उसके साथ रिएक्शन करवा रहा हूँ तो मुझे पता है ये प्लस वाला माइनस के साथ कनेक्ट होगा, मतलब ये वाला पार्ट इसके थ्रू कनेक्ट होगा, मतलब एच बाहर जाना चाहिए, क्या करना चाहिए? एच बाहर जाना चाहिए। अब यहाँ पे कंडीशन याद रखो, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है और ये यहाँ पे प्लस होता है। अब जो हमेशा एक चीज याद रखो, एच प्लस जब बाहर जाएगा तो ही जो इलेक्ट्रोफाइल बाहर गया ना वो अंदर शिफ्ट होगा, और जितना जल्दी वो अंदर शिफ्ट होगा उतना वो ज्यादा एसिड होगा, मतलब जितना एच प्लस जल्दी बाहर जाना चाहिए। अब कंडीशन ये कहता है कि अगर नेगेटिविटी बढ़ती है ना, अगर नेगेटिव कैरेक्टर अगर बढ़ेगा, अगर नेगेटिव कैरेक्टर बड़ा हो गया तो एच प्लस को छोड़ेगा नहीं, नेगेटिव कैरेक्टर हमेशा छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए, जितना नेगेटिविटी आपकी ओ के ऊपर कम होगी ना उतना वो ज्यादा एसिडिक होगा। अब वो किस पर डिपेंड करता है? इंडक्टिव पढ़ा रहेगा ना अपने, इंडक्टिव इफेक्ट, मैंने इसका एक वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो आप अच्छे से देख लेना, वो डिपेंड करता है इंडक्टिव इफेक्ट पर। इंडक्टिव इफेक्ट है ना दो टाइप्स होते हैं, प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। प्लस आई का मतलब क्या? दे आर द इलेक्ट्रॉन्स डोनर ग्रुप, इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप के, एंड दे आर द इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्टर ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन्स लेने वाले ग्रुप होते हैं। तो कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप होते हैं? तो ऑल द अल्काइल्स, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, जितने भी अल्काइल ग्रुप सब इलेक्ट्रॉन देते हैं। कौन लेता है? तो मैंने उसके लिए मैंने बताया, मैं बोल रहा हूँ आप वीडियो को रिफर कर लेना, इंडक्टिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन एंड कार्बन आयन के बारे में आप देख लोगे, उसमें भी आपको ये मिलेगा। तो कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रॉन लेता है? तो है आप नाइट्रो है, साइनो है, फ्लोरो है, क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, बेंजीन है, ठीक है? अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला ग्रुप है, ये प्लस आई ग्रुप है, ये माइनस आई ग्रुप है। तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देगा, तो जब देगा तो माइनस के ऊपर और माइनस की टेंडेंसी बढ़ेगी, माइनस के ऊपर और माइनस की टेंडेंसी बढ़ेगी, तो ये शायद कैरेक्टर माइनस का बढ़ेगी। ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस पड़ा हुआ था, तो जैसे ही देगा तो माइनस बढ़ा होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है कि लेने वाला है? ये तो माइनस है ग्रुप हो गया, ये तो एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ऐसे धीरे धीरे माइनस का कैरेक्टर यहाँ से क्या होगा, धीरे 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 यहाँ से कम होते जाएगा। तो अगर माइनस का कैरेक्टर कम हो गया तो एच प्लस वाला ग्रुप आपका आराम से बाहर निकल जाएगा, आराम से बाहर निकलेगा, इसीलिए फेनॉल ज्यादा एसिडिक होता है अल्कोहल से, क्लियर हो रहा है? एसिडिक का मतलब एच प्लस बाहर निकलना है, एच प्लस बाहर कब निकलेगा? जितना यहाँ पे ना ओ के पास नेगेटिविटी अगर कम होगा ना, नेगेटिविटी जितनी कम होगी उतना एच प्लस आराम से बाहर निकलता है। तो एक चीज हमेशा याद रखना, फेनॉल इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल। अब वो एसिडिक मतलब वो बोलते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो ही तो जाके रेजोनेंस क्रिएट करेगा, आपको ये तो पता है ना रेजोनेंस क्रिएट होता है फेनॉल के अंदर, वो रेजोनेंस क्रिएट होने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव रिएक्टर हमेशा कम होता है, उसकी वजह से एसिडिक होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना, बहुत अच्छा टॉपिक, ये टॉपिक आपको अगर देखना रहेगा ना, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन्स एंड कार्बन आयन्स में आप लोग देख लेना, आपको ये चीज बहुत अच्छे से वहां पर मैंने समझाई है, क्लियर हो रहा है? ईजी था, ठीक है? अभी एक चीज और इसमें मैं बता देता हूँ आपको, कभी नाम सुना होगा आपने रेजोनेंस का, रेजोनेंस सुना है क्या होता है? रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड, रेजोनेंस का मतलब क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ पाई बॉन्ड। तो आखिरकार ऊपर हुए से आखिरकार फिनॉल के अंदर कौन सा रेजोनेंस होता है? रेजोनेंस के दो टाइप होते हैं, प्लस आर होता है और माइनस आर होता है। लसार का मतलब क्या? लसार का मतलब हमेशा क्या होता है? लसार का मतलब हमेशा होता है अवे, माइनस आर का मतलब वर्ड्स, अवे का मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर छोड़ के जाएगा, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर इसकी साइड में जाएगा। अब यहाँ पे चेक करो, 1, 2, 3, 4, 5 वर्ड्स, अब ध्यान दे लो, ये यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, फिर कुछ टाइम के बाद ये वाला चीज यहाँ पे आएगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ जाएगा, फिर जाएगा ऐसे, मतलब लोन पर इसे छोड़ के जा रहा है ना, लोन पर इसको छोड़ के जा रहा है, तो लोन पर क्या हो रहा है? अभी हो रहा है, क्या हो रहा है? ये अभी मतलब कौन सा रेजोनेंस क्रिएट करेगा? प्लस आर क्रिएट, कौन सा रेजोनेंस क्रिएट करेगा? प्लस आर क्रिएट करेगा। हमेशा चीज याद रखो, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप या कोई भी ग्रुप आता है, कोई भी ग्रुप पकड़ लो, कोई भी ग्रुप या तो कोई भी ग्रुप अगर ऐसा आता है उसके पास लोन पेयर है,
बस लोन पर है, बट कंडीशन उसके पास पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए, कंडीशन उसके पास पाई बॉन्ड नहीं होना चाहिए। अगर पाई बॉन्ड नहीं है और लोन पर आ रहा है उसके पास, हमेशा प्लस आर दे। बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप अगर आ रहा है, ये एल्डिहाइड का फॉर्मूला हो गया, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप आ रहा है, यहाँ पे देखिए लोन पर आ रहा है, बट यहाँ पे पाई बॉन्ड आ रहा है ना, बेंजीन के ऊपर कोई ग्रुप आ रहा है उसके साथ पाई बॉन्ड भी है, तो हमेशा आपको देगा माइनस आर। क्या देगा हमेशा? माइनस आर, मतलब ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा। देखो डायरेक्शन एरो का चेंज, इसका एरो का डायरेक्शन कैसा था? ऐसा है। इसका एरो का डायरेक्शन कैसा है? क्लियर हो रहा है? कैसे? अगर अगर रेजोनेंस में प्लस आर माइनस आर कैसे इंडिकेट करते हैं? लोन पेयर आया तो प्लस आर आएगा, पाई बॉन्ड आया माइनस आर आएगा। पाई बॉन्ड आने दो, या तो लोन पेयर पाई बॉन्ड के साथ लोन पेयर आ रहा है, या सिर्फ पाई बॉन्ड आ रहा है तो भी माइनस आर ही देगा। इतना चीज दिमाग में बिठा लेना, लोन पेयर आया तो प्लस आर है, पाई बॉन्ड आया तो भी माइनस आर आएगा। तो फिनॉल कौन सा रेजोनेंस क्रिएट करता है? प्लस आर। प्लस आर का मतलब क्या होता है? अवे, अवे फ्रॉम सब्स्टिट्यूटिंग। माइनस आर का मतलब क्या? टुवर्ड्स सब्स्टिट्यूटिंग। क्लियर हुआ? प्रॉपर्टीज अच्छे से समझ में आ गया आपको? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत इजी टॉपिक है ये, इसमें ज्यादा झंझट नहीं। हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था ना वो, क्या कहते हैं, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। आज की जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे उसमें भी ज्यादा कुछ है नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है वो है इसका ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब रिएक्ट विद ब्रोमीन गैस। अब इसमें दो कंडीशन है, ब्रोमिनेशन में दो कंडीशन है। दो कंडीशन ये कहता है, एक है आपका, ध्यान देते रहो, एक है आपका पकड़ लो ये ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और एक है आपका ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ, पकड़ लो ये ब्रोमीन वाटर, पकड़ लो इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, और एक दूसरा इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर, पकड़ लो ये। ये दो अलग अलग दो कंडीशन है वहां पे, और दोनों के रिएक्शन अलग अलग है, मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। फिनॉल का फॉर्मूला क्या था? ऊपर OH पड़ा हुआ था, इसको रिएक्ट करवाया मैंने BR के साथ। मैं यहाँ पे BR दो बार लिया, मैंने क्यों लिया उसको वो आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कंडीशन डाला ऊपर CH2, ठीक है, कंडीशन डाल दिया CH2, टेम्परेचर डालो 273 केल्विन डाल दो, ठीक है। जैसे 273 केल्विन डालेंगे हम लोग यहाँ पे, तो देखिए यहाँ से क्लोरीन जनरेट होगा। एक बार BR यहाँ पे आ गया, एक बार BR यहाँ पे आ गया, प्लस टू टाइम्स ऑफ HBr बाहर निकले। अब कैसे हो रहा है वो देख लो, देखो दो बार मैंने हाईलाइट करा, मैंने दो बार यहाँ पर लिख दिया, ये एक ऑर्थो हो गया और एक पैरा हो गया। HBr बाहर गया, HBr एक बार ब्रोमीन यहाँ पे, एक बार ब्रोमीन यहाँ पे, समझ में आया? तो हमेशा याद रखो जब इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 होता है और टेम्परेचर होता है 273 केल्विन, तो हमेशा एक ऑर्थो और एक पैरा प्रोडक्ट जनरेट करता है। एक ऑर्थो आएगा और दूसरा वहाँ पे पैरा जनरेट होगा, ठीक है, क्लियर हो रहा है? अब ये जो ऑर्थो वाला जो पार्ट रहेगा, देखो दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दो नेगेटिव क्लोजर आते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल करते हैं, वो तो हमेशा रिपेल करेंगे। तो यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा कि यहाँ पे रिपल्शन ज्यादा होगा? यहाँ पे नजदीक नजदीक ना, यहाँ पे रिपल ज्यादा करेगा, माइनस माइनस रिपल ज्यादा करेगा, बॉन्ड तोड़ेगा, तो मतलब ये हमेशा याद रखो ये माइनर होता है, और ये पैरा वाला हमेशा क्या होता है? मेजर। ये हमेशा 20% फॉर्मेशन करता है, ये हमेशा 80% फॉर्मेशन करता है। क्यों ऐसा होता है? रिपल्शन की वजह से। क्यों ऐसा होता है? रिपल्शन की वजह से। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है, मतलब फेनॉल है ना, ब्रोमिनेशन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, तो हमेशा एक ऑर्थो और एक पैरा जनरेट करेगा। उसमें से जो आपका ऑर्थो आएगा वो माइनर होगा, और जो पैरा आएगा वो हमेशा मेजर होगा। क्यों होगा ऐसा? रिपल्शन की वजह से। अब कंडीशन चेंज, अब ये वाला कंडीशन सॉल्व करना है। फेनॉल को रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर करता है, ठीक है। मैं कंडीशन ब्लॉक कर दे रहा हूँ, यहाँ पर स्पेस नहीं दे रहा, डायरेक्ट मैं रिएक्शन आपको बता देता हूँ यहाँ पर। सेकेंड कंडीशन, चलो फिर से फिनॉल लिखा, OH आ गया, अब फिर से रिएक्शन किया मैंने इसको, BR और BR, तीन बार BR टू लिया, बट एरो पे कंडीशन हीट डाल दिया है, और यहाँ पे ब्रोमीन वाटर लिख दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ बाहर निकलेगा, H, क्या बाहर गया? HBr, यहाँ से भी HBr, फॉर्मूला बोल दो फटाफट, क्या है? OH
Br प्लस 3 टाइम्स ऑफ HBr, क्या फॉर्मूला है? 2, 4, 6, मतलब 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल। कंडीशन समझ में आया? ब्रोमीन वाटर हुआ तो ट्राई सब्स्टिट्यूटेड अपने को मिलेगा कंपाउंड, अगर कंडीशन आपका ये अगर CH2 हुआ तो आपको एक बार ऑर्थो और एक बार पैरा, ऑर्थो ब्रोमोफेनॉल पैरा ब्रोमोफेनॉल। समझ में आया? दोनों कंडीशन याद रखो, CH2 है ब्रोमीन वाटर है, CH2 हुआ तो ऑर्थो पैरा, और अगर ब्रोमीन वाटर हुआ तो 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफेनॉल मिलेगा। इसमें मेजर माइनर कैसे साइन किया पता चला? रिपल्शन अगर मिनिमम है, रिपल्शन अगर कम है तो प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है तो ये मेजर और ये आपका क्लियर हो गया। अब दूसरे रिएक्शन की तरफ बढ़ा, तो ये हो गया उसका फिनॉल का पहला रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टी का ब्रोमिनेशन। समझ में आया ना? नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताते रहना, तो मैं आपको इसका एक डाउट लेक्चर रखूंगा, उसमें मैं फिर से वही चीजें आपको बता दूंगा कैसे करना। सेकेंड जो रिएक्शन है वो है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन तो आपको पता रहेगा ना, एक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ये रिएक्शन हम लोगों ने हैलोजन डेरिवेटिव ऑलरेडी कर लिया हुआ है, वही वहां का रिएक्शन यहां का रिएक्शन सेम है। अब इसमें भी कंडीशन है, चलो फिर से कंडीशन सॉल्व करते हैं। देखो ध्यान दे रहे हो अच्छे से, इसमें भी दो कंडीशन है, एक आपका पकड़ लो डाइल्यूट के साथ है और एक पकड़ लो बी वाला पार्ट आपका पकड़ लो कॉन्सेंट्रेट के साथ। ध्यान दे देना अच्छे से, फिनॉल लिया सेम वैसे जो जैसे हम लोगों ने सॉल्व किया। नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? HO HNO3, HNO3 को एक्सपांड करेंगे तो क्या मिलेगा? HONO3। कंबाइन करो तो HNO3 हो जाएगा, मैंने एक्सपांड करके लिखा हुआ है। क्लियर हो गए बराबर? यहां पे करते हैं इस रिएक्शन में सॉल्व करते हैं इसको। फिनॉल प्लस HONO2 लिखा हुआ 3 times लिख रहा हूँ, कंडीशन डाल रहा हूँ कॉन्सेंट्रेटेड, एरो पे मैं डाल देता हूँ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO2। ध्यान देते रहेंगे, अच्छे से ध्यान दे रहा हूँ। सेम अभी हमने ब्रोमिनेशन किया था वैसे ये भी है, ये हो गया आपका ऑर्थो और ये हो गया आपका पैरा, ये बाहर गया बराबर हो गया। इसके आगे मैंने दो बार लिखा फॉर्मूला, बोले फटाफट कैसे है फॉर्मूला बोले OH, यहाँ पे क्या है NO2, दूसरा बोलो OH, यहाँ पे क्या है NO2, दस बाहर क्या है 2 times ऑफ H2O, एक बार NO2 यहाँ पे पैरा पे, एक बार NO2 ऑर्थो पे, सेम था वैसे ही। अब बताओ फटाफट इसमें से इसका नाम क्या रहना चाहिए? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, और इसका नाम क्या रहेगा? पैरा नाइट्रोफिनॉल। अभी मैंने आपको बताया था मेजर माइनर कैसे हम लोगों ने असाइन किया था, माइनस माइनस रिपेल कर रहा है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, ये भी न्यूक्लियोफाइल है, रिपेल कर रहा है, ये जल्दी रुकना चाहिए, बट यहाँ पे कंडीशन उल्टा है। अब इसमें कंडीशन उल्टा है, ये वाला इस कंडीशन में ये वाला हमेशा याद रखो, ये वाला पार्ट इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको, इसके पहले क्या बताया था मैंने, पैरा वाला पार्ट क्या बताया था, पैरा वाला पार्ट देखो इसमें मैंने क्या बताया था, पैरा वाला मेजर और ये वाला माइनर बताया था ना, अभी उल्टा हो गया, ये माइनर होगा आपका और ये मेजर होगा, ठीक है। अब क्यों होगा उसका भी रीजन आपको बता दूंगा अभी, अभी ये सॉल्व करता हूं। देखो ये बाहर यहां से गया H2, यहां से भी H2O बाहर गया और यहां से भी H2O बाहर गया, तीन H2O बाहर जाएगा, तीनों जगह पे NO2 कनेक्ट होगा। फार्मूला बोल दो फटाफट क्या हो जाएगा, बोलो फटाफट फार्मूला, तो H पड़ा रहेगा NO2 बराबर, दस बाहर क्या जाएगा 3 times ऑफ H2। इसको क्या बोलेंगे? 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। क्या बोलेंगे इसको? 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलेंगे, बराबर हो गया क्या? अब इसका एक और नाम, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड पिक्रिक एसिड, इसको बोलते हैं 2, 4, 6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल बोलते हैं। अब मेन अपना कहाँ पर अटक रहा है पता है? इसके पहले मैंने बताया था कि अगर ऑर्थो था तो वो क्या था वहां पे, माइनर था, अभी ऑर्थो हो गया तो मेजर हो गया, और पैरा था तो इसके पहले वाले ब्रोमिनेशन में क्या था वो मेजर था, बट यहाँ पे पैरा वाला माइनर हो गया। अब ऐसा क्यों होता है उसका रीजन सुनो उसका, जब प्रॉपर्टी मैंने बताया फिनॉल का, तो मैंने उस प्रॉपर्टी में आपको ये बता देते कि प्रॉपर्टी के अंदर फिनॉल के अंदर इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। क्या होता है उसके अंदर? इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, क्लियर हो रहा है ये? तो फिनॉल के अंदर इंटर और इंट्रा दोनों चीज होता है। अब वो क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना अच्छे से ध्यान देना, ठीक है?
इसको मैं रफ करता हूँ, ध्यान दे, एक बार रिएक्शन देख लो अच्छे से, कंडीशन याद रखो, अगर डाइल्यूटेड होगा तो ऑर्थो पैरा मिलेगा, और कॉन्सेंट्रेटेड होगा तो पिक्रिक एसिड मिलेगा। इजी कंडीशन था, चलो मैं बता देता हूँ एक कैसे। मैंने क्या बताया, तो जैसे कि यहाँ पे OH पड़ा हुआ था, तो यहाँ पे NO2, तो NO2 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ। दूसरा क्या था, पैरा वाला, यहाँ OH पड़ा हुआ था, यहाँ ये पड़ा हुआ था, क्लियर हो रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होता है, बताया कि यहाँ पे अगर आप दिमाग लगाओ ना, तो यहाँ पे लोन पैर होता है, यहाँ पे भी आपके पास लोन पैर आपको दिखाई देगा, यहाँ पे लोन पैर होगा, वहां पे भी लोन पैर, कुछ टाइम के बाद ना ये लोन पैर हटेगा और बीच में एक पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, कुछ टाइम के बाद ये लोन पैर हटेगा और बीच में एक पार्शियल बॉन्ड बनाएगा, क्लियर हो रहा है। कुछ टाइम के बाद वो लोन पैर हटेगा और बीच में एक पार्शियल आपका बॉन्ड बनाएगा, तो जैसे ही पार्शियल बॉन्ड बनाएगा ना, तो हमेशा याद रखो कि अगर एक ही फॉर्मूले के अंदर, एक ही फॉर्मूले के अंदर अगर दो साइड साइड वाले अगर कोई ग्रुप्स होते हैं और दोनों के बीच में अगर पार्शियल बॉन्ड क्रिएट होता है, बट याद रखना डिस्टेंस छोटा होना चाहिए। आपको मैंने ये आपको ये तो पता रहेगा ना कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ता है तो बॉन्ड वीकर होता है, पता है ना ये। अगर कोई लेंथ अगर पकड़ लो छोटा है और कोई लेंथ अगर बड़ा है, तो कौन सा बॉन्ड लेंथ में ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा एज कम्पेयर टू दिस। जितना लेंथ बढ़ेगा ना उतना बॉन्ड आपका वीक होगा, जितना लेंथ छोटा रहेगा उतना बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा। तो हमेशा याद रखो कि अगर सेल्फ बॉन्डिंग बनाता है और लेंथ हमेशा छोटा होना चाहिए, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बॉन्डिंग है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो आपको क्लियर हो गया, अब तो क्लियर हो गया, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गया। अब देखो यहाँ पे लेंथ बहुत ज्यादा है, यहाँ पे लेंथ बहुत ज्यादा है, ये दोनों बीच आपस में बॉन्ड क्रिएट नहीं करेगा, लेंथ बहुत ज्यादा है, वीकर बनेगा, तो ये क्या करेगा, इसके सामने ऐसा ही दूसरा कंपाउंड जनरेट होगा, इसके सामने जैसे एक दूसरा कंपाउंड को लिख लो। अभी मैं OH यहाँ भी देखो, मैंने क्या ये NO2 यहाँ पे आगे पे मैंने OH यहाँ पे लिख दिया और NO2 भी मैं उल्टा लिख ऊपर लिखता हूँ, दोनों सेम फॉर्मूला है, मैंने खाली उल्टा करके लिखा है। अभी आपस में बॉन्ड क्रिएट करेगा, अब दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, इसको क्या बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर, क्लियर हो रहा है। इंट्रा मतलब सेल्फ, एक ही चीज एक ही फॉर्मूले में वो सेम क्रिएट होता है, इंट्रा मतलब वही देखो एक ही फॉर्मूला था उसमें सेल्फ क्रिएट हो रहा है, और इंटर मतलब यहाँ लेंथ बहुत ज्यादा बड़ा हुआ है, बॉन्ड लेंथ बैठेगा नहीं, वीकर बनेगा, तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में क्रिएट करवाना पड़ेगा। तो इसमें और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो अगर ये आपको पता है लेंथ अगर छोटा रहता है तो बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो हमेशा याद रखो जब भी हम फेनॉल का अगर हम नाइट्रेशन करते हैं, या तो यहाँ पे कोई ऑक्सीजन वाला ग्रुप अगर आता है, ऑक्सीजन वाला कोई भी ग्रुप अगर आता है, तो उस कंडीशन में ऑर्थो मेजर होता है और पैरा माइनर होता है। रीजन आपको पता चल गया, इंट्रा और इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा का मतलब क्या, सेल्फ लिंकिंग होता है, और इंट्रा का मतलब सेल्फ लिंकिंग, और इंटर का मतलब क्या, दो अलग अलग ग्रुप्स होने चाहिए, मतलब दो सेम ग्रुप ही पकड़ लो बट लेकिन दो अलग अलग फॉर्मूले आपके होंगे। इसमें कैसे सेल्फ जनरेट हो रहा है आपस में, इसमें दो अलग अलग मैंने ग्रुप लिया, समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बिठा लेना, इंटर और इंट्रा वाला कॉन्सेप्ट हमेशा दिमाग में बिठा लेना, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, दो रिएक्शन अपना हो गया, एक पहला ब्रोमिनेशन हम लोगों ने कर लिया, दूसरा हम लोगों ने नाइट्रेशन कर लिया, अभी तीसरे की तरफ बढ़ते हैं। तो तीसरा जो रिएक्शन है अपना, तीसरा है हमारे पास यहाँ पे सल्फोनेशन। सल्फोनेशन तो पता ही है ना आपको, एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी बहुत ईजी रिएक्शन है, छोटा सा देखो, इसमें भी कैसे पता, इसमें भी दो कंडीशन है, एक आएगा आपका एट रूम टेम्परेचर और एक आएगा आपका एट 373 केल्विन, क्लियर हो रहा है। चलो करते हैं फटाफट, फिनॉल का फॉर्मूला बोलो, OH बराबर, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या है, H2SO4, एक्सपांड करो, HO SO3H पकड़ लो, कंबाइन करो तो H2SO4 ही होगा, वो दिमाग लगा, ठीक है। यहां पे डाल दो डाइल्यूट कंडीशन, यहां पे भी वही कर लो, फिनॉल लिखो, OH डालो, यहाँ पे भी डाल दो HO SO3H डाल दो, यहाँ डाल दो कॉन्सेंट्रेट कंडीशन डाल दो, इसको भी हीट करो, यहाँ पे डाल दो कंडीशन 273 का, ये यहाँ पे ये था आपका 373 केल्विन का, ये
क्लियर हो गया ये। अब दोनों कंडीशन में यहाँ पे भैया ऑर्थो हो गया आपका, वही आपका पैरा। अभी एक ही फॉर्मूले में दोनों बाहर नहीं निकलेगा, अब इसमें दोनों अलग अलग होंगे। अब यहाँ से किए तो ये बाहर निकल गया, और यहाँ से किए तो ये बाहर निकल गया, तो मतलब दो अलग अलग चीज सेपरेट हो गई। तो वहां का फॉर्मूला बोल दो फटाफट क्या हो जाएगा। चलो बोलो, OH यहाँ पे साइड में क्या आएगा, SO3H आ गया। यहाँ पे बोलो फटाफट H2O बाहर जाएगा, OH यहाँ पे अभी नीचे में क्या आएगा, SO3H बाहर जाएगा, H2O बाहर निकलेगा। क्लियर हो रहा है? मतलब कंडीशन दिमाग में एट 273 रहेगा तो क्या मिलेगा अपने को, ऑर्थो, और एट कंडीशन अपना 373 मिलेगा तो क्या मिलेगा, पैरा। बराबर हो गया। यह है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड, और यहाँ आपका पैरा हाइड्रोक्सिल बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बराबर है? ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब बताओ फटाफट दोनों में मेजर माइनर कैसे साइन करेंगे, बोलो फटाफट। ये वाला मेजर की ये वाला मेजर, सल्फर के साथ ओ वाला ग्रुप आ रहा है, सल्फोनिक ग्रुप आ रहा है, तो इसमें मैंने बोला ना कि अगर यहाँ पे कौन सा बॉन्ड क्रिएट होगा, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर, और यहाँ पे कौन सा होगा, इंटरमोलिकुलर। तो इसमें ये मेजर और ये माइनर। क्लियर हुआ ये? वी वाला कंडीशन एक बार अच्छे से देख लिया। हमेशा याद रखो कि अगर यहाँ पे क्लोरीन होता, अगर यहाँ पे क्लोरीन होता उस कंडीशन में, यहाँ पे भी क्लोरीन होता तो समझ लो ये मेजर होता और ये माइनर होता। लेकिन अगर ऑक्सीजन वाला ग्रुप आता ना तो उस कंडीशन में हम लोग एच बॉन्डिंग होते हैं, तो कहाँ पे इंटर हो रहा है और कहाँ पे इंट्रा हो रहा है वो आपको देखना पड़ता। तो हमेशा याद रखो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, वो ज्यादा सुपीरियर आपसे इंटर एज कम्पेयर टू इंटर मॉलिकुलर। उस कंडीशन में ये मेजर होगा और ये आपका माइनर। सल्फोनेशन की कंडीशंस याद रख लो, अगर 273 पे अगर आपको रहेगा तो 273 पे आपको ऑर्थो मिलेगा, और अगर 373 पे रहेगा तो 373 पे आपको क्या मिलेगा, पैरा मिलेगा। एक सेकंड मैं आपको इसमें भी क्लियर दे, ये दोनों कंडीशन कॉन्सेंट्रेट किए, ये दोनों कंडीशन कॉन्सेंट्रेट किए। बस हमेशा याद रखो टेम्परेचर का फर्क है, 273 और 373 कंडीशन का फर्क। समझ में आया? क्लियर है ये? अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन और थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है वो, ठीक है, वो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। जो रिएक्शन बहुत बार बोर्ड, और ये याद रखना कुछ सिलेक्टेड रिएक्शन है, जैसे ब्रोमीन वाटर वाला रिएक्शन आपको बोर्ड पर बहुत बार पूछता है, फिर इसके बाद आपका पिक्रिक एसिड वाला रिएक्शन आपका बहुत बार पूछता है, सल्फोनेशन में आपका जो 373 वाला है वो भी बहुत बार आपको पूछता है। अभी जो मैं करूंगा वो बहुत ज्यादा टाइम पूछा हुआ है, तो चलो वो करते हैं, थोड़ा सा बोर्ड ऊपर ले लो, बड़ा है ठीक है। चलो अभी तक उन्होंने कौन सा कर लिया, ब्रोमिनेशन कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, सल्फोनेशन कर लिया। अब जो रिएक्शन कर रहे हैं चौथा जो रिएक्शन, उसका नाम है राइमर टाइमन रिएक्शन। नाम ही देखो कितना डिफिकल्ट है, नाम ही कितना बड़ा है, राइमर टाइमन रिएक्शन। अब ये क्या करता है, स्टेटमेंट आप लिख लोगे ना, किसी भी रिएक्शन का मैंने स्टेटमेंट नहीं बताया। जैसे कि अगर मैं बोला इसके पहले हम लोगों ने किया सल्फोनेशन, तो सल्फोनेशन का स्टेटमेंट क्या आना चाहिए, व्हेन द फिनोल इज रिएक्ट विद, व्हेन द फिनोल इज रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 273 केल्विन टू गिव व्हाट, 273 पे क्या मिला था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बट एट 373 केल्विन टू गिव पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, वेयर ऑर्थो is more stable than para, मतलब ortho major और para minor, reason because ortho contains intramolecular hydrogen bonding and para contains intermolecular hydrogen bonding. What is the intra and what is inter? Intra का मतलब क्या होना चाहिए, बोलो फटाफट intra का मतलब क्या, self linking जो bonding बनाते हैं ना, self एक ही formula के अंदर जो bonding बनता है ना वो intramolecular होता है, और दो अलग अलग हम formula लेके बनाते हैं तो उसको हम intermolecular कहते हैं। आपको ये भी पता बता दिया मैंने, length छोटा है तो bond क्या रहना चाहिए, strong, और लेंथ अगर बड़ा है तो बॉन्ड हमेशा क्या होगा, वीक होगा। चलो ये देखते हैं राइमर डायमंड क्या कहता है, थोड़ा सा बड़ा रिएक्शन है, अब इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान देते रहना अच्छे से। राइमर डायमंड क्या होता है, ध्यान दो एकदम अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड में ये रिएक्शन पूछा हुआ है, ठीक है। स्टार्ट करता है फिनॉल से, इसमें क्या होता है कि फिनॉल पड़ा हुआ है, फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं किसी बेस के साथ, ठीक है, फिनॉल रिएक्ट करवाते हैं किसी एक बेस के साथ, और उसी कंडीशन में लोग ऐड करते हैं वहां पे क्लोरोफॉर्म, क्या ऐड करते हैं वहां पे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला बोलो CHCl।
थोड़ा सा ध्यान देते ना अच्छे से तो समझ में आता है। टेस्ट भी बहुत छोटा करके दिया हुआ है बट मैं आपको पूरा अच्छे से समझा रहा हूँ। एच टू ओ मार गया, शिफ्ट होगा, HCl मार गया, शिफ्ट होगा। अच्छा बताओ फटाओ क्या होगा, क्या क्या मार गया, एच टू ओ मार गया, दूसरा क्या मार गया, बोलो फटाओ, HCl मार गया, एच टू ओ मार गया, HCl मार गया, ये इधर आएगा कनेक्ट होगा और यानी ऊपर से बोलो फटाओ ऊपर क्या हो जाएगा, वो यानी सोडियम फिनॉक्साइड बताया था मैंने आपको ये। अब यहाँ पे सी एच दो क्लोरीन तो रहेगा ना यहाँ पे, जगह नहीं है सी एल, तो यहाँ पे सी एल, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट। इसमें क्या होता है इंटरमीडिएट, देखो दोनों जगह पे क्लोरीन क्लोरीन, अब यही फॉर्म लेकिन हम लोग ऐड करते हैं के ओ एच ऐड करते हैं वो भी दो बार, और दो बार लेके हम लोग इसको हीट करते हैं। अब जैसे हीट करेंगे मैं आज कुछ बाहर निकल दूँ, KCl बाहर गए, ध्यान देते रहना अच्छा, KCl बाहर गए, बोलो फटाफट ऊपर गया था कोई नहीं तो वैसे ही पड़ा हुआ था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा H, इधर क्या होएगा OH, इधर क्या हो जाएगा OH, बाहर क्या आएगा 2 टाइम्स हो KCl, आप एरो पे माइनस करके लिख सकते हैं, ठीक है। एक कार्बन के ऊपर दो एच कभी नहीं आता, एक कार्बन पे दो एच कभी नहीं आता, वो हमेशा अनस्टेबल होता है, तो देखो यहाँ से बाहर निकलेगा, एकदम ध्यान देना अच्छे से, पूरा रिएक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है। H2O बाहर गए, क्लियर हो रहा है, H2O बाहर जा रहा है, H2O बाहर गए, ये वाला बॉन्ड ऊपर की तरफ में शिफ्ट हो जाएगा, तो फॉर्मूला बोलो देख रहा है ना थोड़ा बड़ा जा रहा है H2O बाहर निकल गया हीटिंग पे, फॉर्मूला बोलो ओ ए नहीं हो गया यहाँ पे, बोलो फटाफट क्या ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ऊपर H पड़ा हुआ H2O बाहर निकल गया। अब मुझे Na को बाहर निकालना, तो Na को बाहर निकालना मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ HCl, बताओ फटाफट HCl ऐड किया, HCl बाहर, ये ऊपर फॉर्मूला बोलो ऊपर क्या आ गया OH, साइड में क्या आ गया वो तो वैसे ही पड़ा रहेगा एल्डिहाइड, बाहर क्या आ गया, बाहर क्या आ गया NaCl, प्रोडक्ट चल रही हो बोलते सैलिसिलेटिहाइड, क्या होता है सैलिसिलेटिहाइड, फिर से पर अच्छे से ध्यान फिर से बताता, ठीक है। फिनॉल था बेस के साथ रिएक्शन किया NaOH के साथ, इसके अंदर हमने क्लोरोफॉर्म ऐड कर दिया, जैसे बेस के साथ रिएक्शन किया हुआ है तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो फिर से देखो क्या क्या बाहर निकला, बताओ यहाँ का H और यहाँ का H, H2O बाहर गए, यहाँ का एक H और यहाँ का Cl, HCl बाहर गए, ये Na यहाँ पे शिफ्ट होकर फिनॉक्साइड बना दिया, क्लोरीन यहाँ पे शिफ्ट होकर इंटरमीडिएट बना दिया, देखो ये आ गया। अब ये फॉर्मूले को दो बार NaOH के साथ रिएक्शन किया क्योंकि दो क्लोरीन का, यहाँ का K, यहाँ का K, यहाँ का Cl, यहाँ का Cl, टू टाइम्स ऑफ KCl उड़ गया दोनों जगह पे, OH OH खाने को OH OH खाने को, अभी एक कार्ड में OH कभी नहीं होता, मैंने आपको बताया डिहाइड सेल्फ डिहाइड्रेट होता है, देखो यहाँ से यहाँ का H और यहाँ का OH, H2O बाहर गया, जैसे ही H2O बाहर गया तो ये बॉन्ड ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो जब ये ऊपर शिफ्ट होगा तो ऊपर आके डबल बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा। अब यहाँ पे Na पड़ा था, मेरे को Na को हटाना था, फिर से फिनॉल में कन्वर्ट करा था, यहाँ का Na यहाँ का Cl, NaCl बाहर गया, H को शिफ्ट करके फॉर्मूले का नाम क्या था सैलिसिलेटिहाइड, याद है ना सैलिसिलेटिहाइड, या तो दूसरा नाम और तो हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड, और तो हाइड्रोक्सीबेंजाल्डिहाइड या तो फिर सैलिसिलेटिहाइड, रीजन समझ में आई है, बहुत इंपॉर्टेंट रीजन, बहुत इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर साल पेपर में आया हुआ रीजन है, आप पेपर उठा के देखो बहुत बार आया हुआ रिएक्शन है, अगर आपका पकड़ लो एक नॉर्मल अगर मार्च वाले एग्जाम में नहीं आया तो जो मिड में एग्जाम होता है उसमें आता है, अगर मिड में नहीं आया तो फिर मार्च में आता है, मतलब हर साल रिपीट करता है क्वेश्चन ये। रिएक्शन का नाम याद रखो, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर का राइमर टाइमर, क्लियर हो गया, ये नाम याद रखो सैलिसिलेटिहाइड, आप ऐसा लिखोगे तो भी चलेगा, टेक्स्ट बुक में छोटा लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में समझाया हुआ नहीं है रिएक्शन आखिरकार हुआ कैसे, मैंने आपको पूरा बता दिया कैसे कहाँ से क्या निकल रहा है, कैसे कहाँ से क्या बन रहा है, वो भी मैंने आपको उसमें बता दिया, ठीक है।
चलो मूव करते हैं अगले रिएक्शन के, अगले रिएक्शन के ऊपर। कितने रिएक्शन हम लोगों ने कर लिए? ब्रोमिनेशन कर लिया, बोलो फटाफट, ब्रोमिनेशन कर लिया, सल्फोनेशन कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, नाइट्रेशन के बाद क्या था अपना, ब्रोमिनेशन कर लिया, सल्फोनेशन कर लिया, नाइट्रेशन कर लिया, नाइट्रेशन के बाद राइमर टाइमर कर लिया। हमने दो टाइप की बॉन्डिंग भी पढ़ी, इंटर मॉलिक्यूलर और इंट्रा मॉलिक्यूलर। इंटर और इंट्रा में डिफरेंस किया बोलो फटाफट, इंटर का मतलब क्या, इंटर दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स, और इंट्रा का मतलब क्या, एक ही मॉलिक्यूल्स के अंदर अगर दो दो बॉन्डिंग बनेगा तो उसको इंट्रा मॉलिक्यूलर बोलते हैं। समझ में आए, क्लियर था? ठीक है, अब दूसरे रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं, ज्यादा नहीं थोड़ा सा ही बचा है इसमें, चलो स्टार्ट करते हैं। अब जो पांचवा रिएक्शन है, देखो कितना फनी नाम है इसका भी, कोल्ब्स रिएक्शन, कोल्बीज भी बोलते हैं, कोल्बीज रिएक्शन। अब कोल्बीज रिएक्शन भी सेम राइमर डायमंड जैसा ही, बट थोड़ा सा छोटा है। इसमें क्या होता है, फिनॉल पड़ा हुआ है, पहला स्टेप सेम है, आप NaOH ऐड करो इसके अंदर, और जैसे NaOH आप ऐड करोगे इसमें ड्राई आइस आपको पता रहेगा ना, CO2 कहते हैं उसको, ये भी आप साथ में ऐड कर दो। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, देखो कुछ यहाँ से बाहर निकला है, कुछ यहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे H पड़ा हुआ था। अब सबसे पहले बाहर क्या निकल रहा, यहाँ का ये और यहाँ का ये H2O बाहर गया, ये वाला Na क्या करेगा, ये वाला Na यहाँ पे आके शिफ्ट हो गया, क्लियर हो गया। दूसरा, अब ये वाला एच कहाँ से आएगा, ये वाला एच तुरंत जाके यहाँ पे के बॉन्ड बनाएगा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, OH, ये वाला बॉन्ड रहेगा कि टूटेगा, वो तो टूटेगा, जैसे ही वो टूटेगा तो ये वाला कार्बन यहाँ पे आएगा, नहीं कुछ फिर से ध्यान दो, मैंने क्या किया, यहाँ का H2O बाहर निकला, ये Na यहाँ पे शिफ्ट होकर फिनॉक्साइड बना दिया, ये वाला एच यहाँ पे शिफ्ट होकर OH में कन्वर्ट हो गया, तो जैसे ही OH में कन्वर्ट होगा तो ये वाला कार्बन इसको आगे कनेक्ट हो जाएगा। फॉर्मूला बोलो आपको, पहले बाहर क्या गया वो बता दो, H2O बाहर निकल गया, कनेक्शन बताओ फटाफट कैसे, ऊपर क्या जाएगा ओ एन ए, साइड में क्या आएगा सी, बोलो फटाफट साइड में क्या आएगा, ये ओ एच में कन्वर्ट हो गया था और ये नीचे क्या था, डबल बॉन्ड, क्लियर हो गया, बस हो गया खत्म। इसको किसके साथ रिएक्शन करवाना, लेट्स सी के साथ, तो आगे तो आप मास्टर बन ही गए हो, आगे बताओ फटाफट क्या होगा, यहाँ का सी एल और यहाँ का एन ए क्या बाहर गया, एन ए सी एल बाहर गया, ये वाला एच को शिफ्ट करो वहाँ पर, हो गया प्रोटेक्ट जनरेट हो गया, देखो कितना ईजी था। फॉर्मूला बोल दो फटाफट क्या हो जाएगा, ऊपर क्या हो गया ओ एच, साइड में क्या हो गया सी डबल बॉन्ड डैश ओ एच, बाहर क्या निकल गया, क्लियर। फिर से एक बार देखो, फिर से मैं बता देता हूँ, फिनॉल था, NaOH के साथ रिएक्शन किया, यहाँ का एच यहाँ का ओ एच, एच टू ओ बाहर गया, Na शिफ्ट हो गया, यहाँ का एच शिफ्ट हो गया यहाँ पे, तो ये कन्वर्ट हो गया ओ एच में, तो ये कार्बन इसके टूवर्ड्स में आके बॉन्ड बना के फॉर्मूला अपने को ये देखा, यहाँ पे HCl डाल दिया, NaCl बाहर गया, H को शिफ्ट कर दिया, फॉर्मूला जनरेट हो गया। अब ये जो कंपाउंड इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, नाम याद रखो सैलिसिलिक एसिड, इसका नाम क्या था, सैलिसिलडिहाइड, आयु ये तो हो गया सैलिसिलिक एसिड। अब अपने को बोलेगा इसका ये ओ ओ वाला पोजीशन में गया, तो इसको बोलेंगे को हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, क्लियर हो गया। ठीक है, नाम याद रखो, दोनों रिएक्शन इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जो बहुत बार पूछा है, राइमर डायमन क्या देता है, सैलिसिलिडिहाइड, कोल्बीज क्या देता है, सैलिसिलिक एसिड। राइमर डायमन का दूसरा नाम क्या था, बोलो बड़ा, दूसरा नाम क्या था, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, इसका दूसरा नाम क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, क्या नाम है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ठीक है, अब दो रिएक्शन और बाकी है, वो दोनों रिएक्शन भी अच्छे से देख लो, जो भी चीज नहीं समझे ना आपको, आप कमेंट करके मुझे बताओ, कमेंट करके बताओगे तो मैं इसके ऊपर एक डाउट लेक्चर भी रखूंगा, तो डाउट लेक्चर में आपको क्लियर करवा दूंगा, और मैं अपना नंबर आपको शेयर करूंगा, तो हो सके तो मैं आपको पर्सनली भी बता सकता हूँ, पर्सनल बता दूंगा, वो आप मुझे व्हाट्सएप पे पूछ लो तो मैं आपको व्हाट्सएप पे वो सारी चीजें बता दूंगा, या तो फोन पे ही बता दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट जो रिएक्शन है बहुत छोटा छोटा रिएक्शन है, दो पांच कर लिए ना, तो कौन से कौन से, पांच के छह के स्टार्ट करते हैं, ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, राइमर डायमंड, और क्या किया, कोल्बीज। अब जो सिक्स्थ रिएक्शन है वो है आपका रिडक्शन, ये एक बचा है अपना रिडक्शन ऑफ फिनॉल, और सेवन्थ रिएक्शन है वो है अपना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल, तो ये चीज है बहुत इजी है, फिनॉल लियो, इसको रिएक्ट करवाया ZN के साथ, एरो पे हीट का सिंबल मैंने, कितना इजी रिएक्शन है वो, बोलो फटाफट क्या बाहर गया, ZN, सबसे पहले क्या लेके उड़ेगा, ZNO, H को कनेक्ट करवा दो, आ गया बेंजीन, हो गया, कितना इजी था, सिंगल स्टेप में था, बेंजीन आ गया प्लस बाहर गया, ZN निकल गया, समझ में आया, ZNO बाहर निकल गया,
एच शिफ्ट हो गया, फॉर्मूला कन्वर्ट हो गया बेंजीन में। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो कैसे हुआ। ये था फिनॉल मेरे पास, इसको मैंने ऑक्सीडेशन वो ऐड किया, रिसेंट ऑक्सीजन एटम को ऐड किया, एरो पे लिख दिया KMnO4, KMnO4 डाल दिया, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने डाल दिया वहां पे। अब होगा क्या, ध्यान देते रहना एकदम अच्छे से, यहाँ पे एच पड़ा हुआ, ध्यान देते रहना एकदम अच्छे से, यहाँ का एच और यहाँ का एच, हाइड्रोजन गैस उड़ गया, ये बात ध्यान देना, हाइड्रोजन गैस उड़ गया। जैसे ये हाइड्रोजन गैस उड़ा, ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, शिफ्ट हुआ, ये वाला बॉन्ड आपका यहाँ पे शिफ्ट होगा, और ये तो आपको पता है, ये तो आपको पता है ना, डबल बॉन्ड बनाता है ये, तुरंत यहाँ पे है। चलो फॉर्मूला बोलो, नहीं ये पहले लिख देता हूँ, रिंग मैं बना देता हूँ पहले। अब मैंने बोला ऊपर शिफ्ट हो, मतलब ये क्या हो गया, डबल बॉन्ड हो, क्लियर। यहाँ का ये वाला बॉन्ड हट गया, अब ये वाला बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये तो वैसे क्या वैसे ही पड़ा हुआ। अब ये वाला ऑक्सीजन आ रहा है तो डबल बॉन्ड बना रहा है, बाहर क्या गया, क्लियर था। सो बोलते हैं बेंजो क्यूनोन, इसे क्या होता है, बेंजो क्यूनोन बोलते हैं, या नाम क्या होता है, इसको बोलते हैं बेंजो क्यूनोन। फिर से देखो क्या होता, फेनॉल को ऑक्सीडेशन किया तो यहाँ का एच और यहाँ का एच, एच टू गैस बाहर निकल गया, ये वाला ऊपर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना रहा है, जैसे डबल बॉन्ड बना है तो ये रेजोनेंस करके ये वाला बॉन्ड ऊपर आ गया, तो ये ऑक्सीजन आके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना गया, ठीक। तो इसको बोलते हैं बेंजो क्यूनोन। मैं यहाँ पे इसका नाम लिख देता हूँ, इसका नाम है, इसको हम कहते हैं बेंजो क्यूनोन कहते हैं, बेंजो क्यूनोन। आईयूपीएसी आप कर लो, आईयूपीएसी के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये साइक्लोहेक्सा, नंबर ही करो 1 2 3 4 5 6, साइक्लोहेक्सा 2.5 डाईईएन 1.4 डाईओएनडी कीटोनिक ग्रुप का, समझ में। तो आज हम लोगों ने फिनॉल भी खत्म कर लिया। आप फिनॉल के अंदर बचा क्या, बचा क्या पता है, फिनॉल के अंदर आपके पास बचा हुआ है कि उसके फिनॉल के यूजेस बचे हुए हैं, तो आप यूजेस खुद से कर लेना, और अल्कोहल के भी आप यूजेस पढ़ लेना, यूजेस मैंने आपको बताया नहीं है वो। तो अपना अल्कोहल खत्म हो गया और अपना फिनॉल खत्म हो गया। अल्कोहल का मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, मैकेनिज्म मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना लिया है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर करूंगा, लिंक डाल दूंगा वहां पे, और वहां से आप लोग वो जाके मैकेनिज्म देख लेना। नहीं आएगा तो मैं अपना नंबर भी वहां पे शेयर करूंगा, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इवन अगर और अर्जेंट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, कॉल करके बता दो ताकि मैं वहां पे आपको उस टाइम में वो डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। तो आज के दिन हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, आज के दिन हम लोगों ने फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ फिनॉल पढ़ा, कितनी प्रॉपर्टी हम लोगों ने फिनॉल की पढ़ी, टोटल 5 प्रॉपर्टी पढ़ी, उसका मेल्टिंग पॉइंट गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट गया, फिनॉल फिनॉल पानी में डिजोल्व होता है कि नहीं होता है, किसमें डिजोल्व होता है, फिनॉल का स्टेट क्या होता है, फिनॉल का ऑर्डर कैसा होता है वो देखा। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पहले ब्रोमिनेशन पढ़ा, ब्रोमिनेशन हम लोगों ने दो कंडीशन पढ़ा, कौन से दो कंडीशन थे, एक हमारा था किसके साथ रिएक्शन था, एक इन द प्रेजेंस ऑफ CH2 था, और एक था इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन वाटर। तो CH2 में अगर था तो क्या मिल रहा था, ऑर्थो और पैरा, ऑर्थो पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन है, तो पैरा वाला ज्यादा स्टेबल है क्योंकि रिपल्शन कम था, और उस कंडीशन में पैरा वाला 80% और ऑर्थो वाला 20% था। और वैसे ही अगर हम लोगों ने प्रेजेंस ऑफ CH2 किया था, CH2 में क्या था कि 2,4,6 ट्राइब्रोमो मिल रहा था। फिर हम नाइट्रेशन पे इन्होंने जंप किया, नाइट्रेशन में भी दो कंडीशन था, कौन सा दो कंडीशन था, डाइल्यूट कंडीशन था और कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशन था। तो डाइल्यूटेड में क्या मिल रहा था, ऑर्थो पैरा, और कॉन्सेंट्रेटेड में क्या मिला था, पिक्रिक एसिड 2,4,6 पिक्रिक एसिड। तो ऑर्थो पैरा में ज्यादा स्टेबल कौन था, ऑर्थो पैरा नहीं, क्योंकि वहां पे ऑर्थो में कौन सा बॉन्डिंग था, इंट्रामोलिकुलर, और पैरा में कौन सा बॉन्डिंग था, इंटरमोलिकुलर, वो मैंने आपको बता दिया होता क्या है। सल्फोनेशन में भी दो रिएक्शन किया, दोनों कॉन्सेंट्रेट के साथ था, बट दोनों की टेम्परेचर अलग रहते हैं, एक का टेम्परेचर कितना था 273 था, और एक का टेम्परेचर कितना था 373 था। उसके बाद राइमर डायमंड हम लोगों ने पढ़ा, राइमर डायमंड ने हम लोग को क्या दिया था, क्या बताया था राइमर डायमंड ने हम लोग को, राइमर डायमंड ने हम लोग को बताया कि क्या मिलता है अपने को, क्या मिलता है बोलो फटाफट, सैलिसिलिक, और कोलबीज ने क्या मिला, क्या बताया हम लोग को, सैलिसिलिक एसिड, बराबर। फिर ये हमारे बचे हुए दो रिएक्शन है, ठीक है। मुझे एक चीज ये बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, व्हाट इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, बताओ बराबर। अल्कोहल फिनॉल के बारे में जो हम देखते हैं ना डिफरेंसेस की बात करते हैं, तो अल्कोहल फिनॉल में एक डिफरेंस हमेशा याद रखो, हाइब्रिडाइजेशन का बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। अल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp3 होता है, और जो फिनॉल है ना, फिनॉल का हाइब्रिडाइजेशन हमेशा sp2 होता है, मैंने आपको कंपैरिजन बता दिया था। अल्कोहल और फिनॉल में ज्यादा एसिडिक कौन है, फिनॉल ज्यादा एसिडिक, क्यों, बिकॉज फिनॉल इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप,
फिनॉल के अंदर कौन सा रेजोनेंस होता है वो भी मैंने आपको बताया, कौन सा होता है, प्लस आर की माइनस आर, प्लस आर होता है। प्लस आर मतलब कैसे, अगर ऊपर लोन पेयर आया तो प्लस आर, और अगर ऊपर डबल बॉन्ड आया माइनस आर, पाई बॉन्ड आया तो माइनस आर। समझ में आई है? तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, ठीक है। और मैंने आपको फिर से बता देता हूँ इसके अल्कोहल के आप यूजेस और फिनॉल के एक बार यूजेस आप लिख लेना, और एक छोटा सा टॉपिक होगा वहाँ पे अगर डिस्टिंग्विश बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल, वो भी आप एक बार पढ़ लेना, उससे रिलेटेड अगर आपको डाउट अगर आता है ना तो आप मुझे बता देना, तो मैं आपको भी चीज़ वहाँ पे क्लियर करवा दूँगा, ठीक है। अब जो अपना अगला जो वीडियो रहेगा, चैप्टर का नाम क्या था, अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर। अल्कोहल फिनॉल खत्म हो चुका है, अब बचा है हमारा ईथर। अब अगला जो वीडियो बनाएगा वो अपना ईथर के ऊपर रहेगा, ठीक है। मैकेनिज्म वाला टॉपिक याद रखना, मैकेनिज्म मैंने ऑलरेडी डाल दिया है। फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दो, टाइम नहीं मिलेगा बाद में। हमारा टारगेट ये कि बोर्ड का जो एग्जाम है ना वो नवंबर से, बोलते ना अक्टूबर नवंबर तक खत्म हो जाना चाहिए ऑलमोस्ट पूरा, उसके बाद हमको एंट्रेंस पढ़ के अच्छे से देना है, क्योंकि एंट्रेंस के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं रहेगा ये वायरस के चक्कर में, ठीक है। और जितना हो सके ना आप ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और शेयर करो ताकि उनको भी बताओ कि क्या क्या टॉपिक के अंदर है। टेक्स्टबुक में देखो तो बहुत बड़ा ज्यादा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, हम लोग को उतना ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको जितना बोल्ड पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए ना उतना मैं आपको पूरा बता रहा हूँ, ठीक है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, कमेंट प्लीज कमेंट करो इस पे, पता तो चले आपको कितना समझ में आ रहा है, कहाँ पे आप अटक रहे हो, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है, वो कमेंट में मैं आपको सॉल्व करके देता हूँ, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे ईथर, ईथर के बारे में हम लोग पूरा पढ़ेंगे, उसका टाइप्स और ईथर के टाइप्स कितने होते हैं, उसका नॉर्मल टेस्ट कैसे करते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलो।